चंचल कुतवन कोमल यौवन मुझे कली कचनार लिखा, अधूरी दास्तां सी है लिखी दोनों ने साझे में। आपका इश्क कैसा सलीम आपके, नमस्कार। अतुल्य भारत चेतना के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आयुषी राखेचा जल जाजम और जीवन की धरती जोधपुर से, आइए सीधे सीधे एक मुक्तक आपके बीच में रखती हूँ कि लिखे हैं गीत कुछ मैंने सुरों का भान दे दो माँ, लिखे हैं गीत कुछ मैंने सुरों का भान दे दो माँ, नहीं मैं चाहती दौलत मुझे बस ज्ञान दे दो माँ, मिटे हर फासला दिल का करे सब हिंद की जय जय, मिटे हर फासला दिल का करे सब हिंद की जय जय, सबल हो स्वप्न का भारत यही वरदान दे दो माँ, सबल हो स्वप्न का भारत यही वरदान दे दो माँ। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी हमारे देश में छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं, तब कहीं मन की एक पीड़ा है आपके बीच में रखती हूँ, सुनिएगा। तारिणी तु धारिणी तु भव भय हारिणी तु अष्ट सिद्धि कारिणी प्रकाश कर दो न मां, घोर काली मां के ये घने घने घनेर मेघ काट छाट उजला आकाश कर दो न मां, कि काली काली कली के तु काले कुंतलों को खोल तम हर कष्ट पाश नाश कर दो न मां, ऐसे चंड मुंड और शुंभ का निशुंभ का भवानी के स्वरूप में विनाश कर दो ना माँ। और आइए अब अपनी गीत की विधा से आपको जोड़ती हूँ। आजकल तो खैर खत नहीं लिखे जाते, खत का जमाना नहीं है, लेकिन जब खत लिखे जाते थे तब प्रेम कैसा होता था। दूसरे खत अक्सर पढ़े जाते हैं लेकिन प्रेम के खत गुनगुनाए जाते हैं। एक गीत आपके बीच में रखती हूँ, मन लीजिएगा। कि साजन ने एक खत भेजा है अक्षर अक्षर प्यार लिखा, साजन ने एक खत भेजा है अक्षर अक्षर प्यार लिखा, साजन ने एक खत भेजा है अक्षर अक्षर प्यार लिखा, चंचल कुतवन कोमल यौवन मुझे कली कचनार लिखा, चंचल चितवन कोमल यौवन मुझे कली कचनार लिखा। और क्या लिखा है खत में, कि लिखा है खत है कोरा कागज प्रेम किस्याही मिला रहा, लिखा है खत है कोरा कागज प्रेम किस्याही मिला रहा, पंक्ति पंक्ति भाव संजो कर मादक मदिरा पिला रहा, मैं हूँ व्याकुल तुम कैसी हो मुझको अपना हाल लिखो, क्या झुमके ने दिया उलहना पायल की हड़ताल लिखो, प्रणय हमारा थाल आरती, प्रणय हमारा थाल आरती मिलन को मंगलाचार लिखा, चंचल चितवन कोमल यौवन मुझे कली कचनार लिखा, चंचल चितवन कोमल यौवन। दूसरा बंद सुनिएगा, वियोग श्रृंगार का एक शुद्ध बंद। कि तुम बिन जीवन जेठ दुपहरी अंतस में यह शोर हुआ, तुम बिन जीवन जेठ दुपहरी अंतस में यह शोर हुआ, रात स्वप्न में जब तुम आई भादो में घन घोर हुआ, लटों को चूमा बाह में झूमा आंख खुली तुम पास नहीं, करवट बदल के रात गुजारी क्या तुमको आभास नहीं, देख के एक तस्वीर पुरानी मुझको 16 पार लिखा, चंचल चितवन कोमल यौवन मुझे कली कचनार लिखा, चंचल चितवन कोमल यौवन मुझे
चिनार लिखा। और एक नया बंद आपके बीच में रखती हूँ कि चंदन सांस है मध्यम आस है बह की प्यास क्या रास प्रिय, चंदन आस है मध्यम सांस है बह की प्यास क्या रास प्रिय, अमल तास सी गूंथ के वेणी बांध लिया मधुमास प्रिय, कि तुम बिन कटती है जो रातें सच कहती हूँ रात नहीं, तुम बिन कटती है जो रातें सच कहती हूँ रात नहीं, क्या लिख डालूं सब कुछ खत में यह भी अच्छी बात नहीं, क्या लिख डालूं सब कुछ खत में यह भी अच्छी बात नहीं, खंजन नैनों के अंजन को उसने प्रेम कटार लिखा, खंजन नैनों के अंजन को, खंजन नैनों के अंजन को उसने प्रेम कटार लिखा, चंचल चितवन कोमल यौवन मुझे कली कचनार लिखा, चंचल चितवन कोमल यौवन मुझे कली कचनार लिखा, चंचल चितवन कोमल यौवन मुझे कली कचनार लिखा, प्यार लिखा संसार लिखा हाँ यार लिखा सो बार लिखा हाँ प्यार लिखा। और अब चलने से पहले देश के सैनिकों के नाम अंतिम चार पंक्तियां जो हमारी सुरक्षा के लिए सरहदों पर तैनात हैं। फूल खिल के गिरे हैं चमन के लिए, फूल खिल के गिरे हैं चमन के लिए, मिट गए हैं जियाले वतन के लिए, मौत को भी लगाया गले प्यार से, मौत को भी लगाया गले प्यार से, तीन रंगों में रंगे कफन के लिए, तीन रंगों में रंगे कफन के लिए। नमस्कार, मैं सौम्य श्रीवास्तव बुंदेलखंड की पावन मिट्टी बांदा से आपके बीच मैं अतुल्य भारत चेतना के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। एक मुक्तक श्रृंगार का आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। अधूरे अनकहे उलझे हुए जज्बात जैसी हूँ, अधूरे अनकहे उलझे हुए जज्बात जैसी हूँ, मैं रेगिस्तान में उम्मीद की बरसात जैसी हूँ, मैं रेगिस्तान में उम्मीद की बरसात जैसी हूँ, मेरे जीवन में प्रियतम चंद्रमा बनकर चले आओ, मेरे जीवन में प्रियतम चंद्रमा बनकर चले आओ, तुम्हारे बिन अमावस्या की काली रात जैसी हूँ, तुम्हारे बिन अमावस्या की काली रात जैसी हूँ। एक और श्रृंगार का मुक्तक है आपके बीच रखती हूँ, सुनेगा। हमारी और तुम्हारी सिर्फ इतनी सी कहानी है, हमारी और तुम्हारी सिर्फ इतनी सी कहानी है, कभी पानी में गागर है कभी गागर में पानी है, कभी पानी में गागर है कभी गागर में पानी है, अधूरी दास्तां सी है लिखी दोनों ने साझे में, अधूरी दास्तां सी है लिखी दोनों ने साझे में, हमें तुमको सुनानी है तुम्हें हमको सुनानी है, हमें तुमको सुनानी है तुम्हें हमको सुनानी है। और चूंकि मौका गणतंत्र दिवस का है तो मैं भारत के सभी वीरों को नमन करते हुए अपना एक मुक्तक आपके सामने रखती हूँ।
मैं भारत भूमि का दिल से अमिट सम्मान करती हूँ। मैं भारत भूमि का दिल से अमिट सम्मान करती हूँ। यहाँ के शील बल और शौर्य का गुणगान करती हूँ। यहाँ के शील बल और शौर्य का गुणगान करती हूँ। कलम में भर के स्याही स्वाभिमानी मातृभूमि की, कलम में भर के स्याही स्वाभिमानी मातृभूमि की। नमन हर वीर को शत शत मैं बारंबार करती हूँ। नमन हर वीर को शत शत मैं बारंबार करती हूँ। नमन हर वीर को शत शत मैं बारंबार करती हूँ। अवसर गणतंत्र दिवस का है और मैं अतुल्य भारत चेतना के सभी दर्शकों के बीच अपना एक गीत रखना चाहती हूँ, क्योंकि देश की जो पूंजी होती है सबसे बड़ी, वो देश के युवा होते हैं। युवाओं के उत्साहवर्धन के लिए, युवाओं के मोटिवेशन के लिए एक गीत रखती हूँ, सुनिएगा। सैकड़ों तूफान होंगे, सैकड़ों तूफान होंगे, बन अडिग लड़ना पड़ेगा। सैकड़ों तूफान होंगे, बन अडिग लड़ना पड़ेगा। शांति पथ के ऐ पथिक तुमको बहुत चलना पड़ेगा। सैकड़ों तूफान होंगे, बन अडिग लड़ना पड़ेगा। सैकड़ों तूफान होंगे, बन अडिग लड़ना पड़ेगा। शांति पथ के ऐ पथिक तुमको बहुत चलना पड़ेगा। सैकड़ों तूफान होंगे। जब आप संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ते हैं, आपके सामने बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं जिनको पार करके आपको बस आगे बढ़ते जाना है, सुनिएगा। शांत पुरवाई के झोंके हो सदा बढ़ते रहो तुम। शांत पुरवाई के झोंके हो सदा बहते रहो तुम। मंजिलें अपनी हैं अपने रास्ते कहते रहो तुम। शांत पुरवाई के झोंके हो सदा बहते रहो तुम। मंजिलें अपनी हैं अपने रास्ते कहते रहो तुम। मानसूनी लहर कब लूके था पेड़ों से डरी है। मानसूनी लहर कब लूके था पेड़ों से डरी है। बन अमिट विश्वास हर कठिनाई को सहते रहो तुम। हर परिस्थिति में तुम्हें, हर परिस्थिति में तुम्हें दृढ़ शैल बन ढलना पड़ेगा। हर परिस्थिति में तुम्हें दृढ़ शैल बन ढलना पड़ेगा। शांति पथ के ऐ पथिक तुमको बहुत चलना पड़ेगा। सैकड़ों तूफान होंगे। छूट जाएंगे महल सब, सिर्फ मृग तृष्णा मिलेगी। छूट जाएंगे महल सब, सिर्फ मृग तृष्णा मिलेगी। तुम करोगे आस पावस की, मगर तृष्णा मिलेगी। छूट जाएंगे महल सब, सिर्फ मृग तृष्णा मिलेगी। तुम करोगे आस पावस की, मगर तृष्णा मिलेगी। वेदना के मरु में नित गलता रहेगा मन हिमालय। वेदना के मरु में नित गलता रहेगा मन हिमालय। तन बदन जो खाक कर दे, स्वार्थ की शुषणा मिलेगी। वेदना के मरु में नित गलता रहेगा मन हिमालय। तन बदन जो खाक कर दे, स्वार्थ की शुषणा मिलेगी।
है परीक्षा जान की बन, है परीक्षा जान की बन, अग्नि में जलना पड़ेगा। है परीक्षा जान की बन, अग्नि में जलना पड़ेगा। शांति पथ के ऐ पथिक तुमको बहुत चलना पड़ेगा। सैकड़ों तूफान होंगे। मार्ग में बाधाएं होंगी जिनको सीने से लगाकर, मार्ग में बाधाएं होंगी जिनको सीने से लगाकर, लाख असफलताएं होंगी किंतु फिर भी मुस्कुराकर। मार्ग में बाधाएं होंगी जिनको सीने से लगाकर, लाख असफलताएं होंगी किंतु फिर भी मुस्कुराकर। पाओगे उत्तर सभी जो प्रश्न मन में पल रहे हैं, पाओगे उत्तर सभी जो प्रश्न मन में पल रहे हैं। हट करो नचिकेत बन एक रोज खुद यमलोक जाकर। पाओगे उत्तर सभी जो प्रश्न मन में पल रहे हैं। हट करो नचिकेत बन एक रोज खुद यमलोक जाकर। बन तपस्वी घोर दुर्गम, बन तपस्वी घोर दुर्गम, वन में भी पलना पड़ेगा। बन तपस्वी घोर दुर्गम, वन में भी पलना पड़ेगा। शांति पथ के ऐ पथिक तुमको बहुत चलना पड़ेगा। सैकड़ों तूफान होंगे, बन अडिग लड़ना पड़ेगा। सैकड़ों तूफान होंगे, बन अडिग लड़ना पड़ेगा। शांति पथ के ऐ पथिक तुमको बहुत चलना पड़ेगा। सैकड़ों तूफान होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते एक मुक्तक मैं अपने देश के अमर बलिदानियों के नाम कहती हूँ, उसके बाद आपसे विदा लूंगी, सुनिएगा। अमर व्यक्तित्व कुछ ऐसे भी हुआ करते हैं, अमर व्यक्तित्व कुछ ऐसे भी हुआ करते हैं, जो रात दिन वतन के हक में दुआ करते हैं, जो रात दिन वतन के हक में दुआ करते हैं। वो कफन ओढ़ के माना चले गए हो मगर, वो कफन ओढ़ के माना चले गए हो मगर, दिलों में हो दफन वो मर के जिया करते हैं, दिलों में हो दफन वो मर के जिया करते हैं, दिलों में हो दफन वो मर के जिया करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। अतुल्य भारत चेतना के सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मैं स्वयं श्रीवास्तव कलम और कृपाण की धरती से कुछ कविताएं, कुछ गीत लेकर उपस्थित हूं। पहली चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि कविता का, शायरी का दायित्व क्या है, धर्म क्या है, हम कलमकारों का दायित्व क्या है। सुन, कांटे बना रहे हैं कोई गुल बना रहे, कुछ लोग कहीं काग को बुलबुल बना रहे हैं। कांटे बना रहे हैं कोई गुल बना रहे, कुछ लोग कहीं काग को बुलबुल बना रहे। तुम रास्तों को खाई में तब्दील कर रहे, तुम रास्तों को खाई में तब्दील कर रहे, हम लोग उन्हीं खाइयों पे पुल बना रहे, हम लोग उन्हीं खाइयों पे पुल बना रहे। चार और पंक्तियां पढ़ता हूँ। जब हम युवा होते हैं और अपनी जिंदगी का डिजाइन बना रहे होते हैं तो हमारे सामने कैसी कैसी परिस्थितियां आती हैं, सुनिएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते,
फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। चार और पंक्तियाँ कि जब हम कोई नया काम जिंदगी में शुरू करते हैं तो हमारा जब कुछ मुश्किलें आती हैं तो उसके बाद माइंड सेट परिवर्तित होने लगता है, लेकिन उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े, जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। प्रेम मेरी मूल विधा है। हम एक तरफा प्रेम करने वाले लोग, मध्यम वर्गीय परिवारों के लड़के, जिनके हिस्से में भी एक तरफा प्रेम ही आता है। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ उसमें। जो याद तेरे पांव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है, जो याद तेरे पांव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है, पानी जो उसी चांद पे ढूंढे नहीं मिला। एक तरफा प्रेम का सबसे बड़ा मिसाल आपको देता हूँ। पानी जो उसी चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है, पानी जो उसी चांद की तस्वीर बनी है। प्रेम का एक और पात्र है, मैं थोड़ा सा परिवर्तित करना चाहता हूँ। एक पात्र है अनारकली, उस पर बहुत नई बातें की गई हैं, बहुत मंच पे कविताएं नहीं हुई हैं। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, सुनिए। प्रेम करने चली तो उसे भी वही जो महज थी कहानी सुना दी गई, प्रेम करने चली तो उसे भी वही जो महज थी कहानी सुना दी गई, नर्तकी एक अकबर के दरबार में, नर्तकी एक अकबर के दरबार में, कैसे दीवार में थी चुना दी गई, नर्तकी एक अकबर के दरबार में, कैसे दीवार में थी चुना दी गई। तो उसे चुना क्यों दिया गया, ऐसा कौन सा अपराध किया उसने, प्रेम ही तो किया। तो प्रेम तो अकेले नहीं होता, प्रेम तो दो लोगों में होता है। प्रेम अनारकली ने किया तो प्रेम तो सलीम ने भी किया, लेकिन दोनों की प्रेम की परिणति कितनी अलग अलग है। एक ही काम करने के बावजूद दोनों के हिस्से क्या कुछ कितना अलग आया। मैं अगली चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। एक अपराध में दोनों शामिल रहे, एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई, एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई, बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, पांव के घुंघरुओं को सजा हो गई,
बाद में क्या हुआ। तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप ऐसे कैसे सलीम पे आरोप लगा रहे हैं, उसने प्रेम किया था। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा कैसा प्रेम कि आप जिससे प्रेम करते हो उसे दीवार में चुनवा दिया जा रहा हो और आपने अपने प्राण दांव पे नहीं लगाए, तो मैं ऐसे प्रेम को नहीं मानता। मैं अंतिम चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिए। कीट रेशम ये दो है मगर एक थे, कीट रेशम ये दो है मगर एक थे, दूर रेशम से पर कीट रख दी गई। कीट रेशम ये दो है मगर एक थे, दूर रेशम से पर कीट रख दी गई। आपका इश्क कैसा सलीम आपके, आपका इश्क कैसा सलीम आपके, सामने आखिरी ईंट रख दी गई। आपका इश्क कैसा सलीम आपके, सामने आखिरी ईंट रख दी गई। पर अब मैं एक विशेष गीत आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। हमारे भारत देश की जनचेतना का केंद्र बिंदु अयोध्या नगरी, प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी, जितने इतने वर्षों से, इतने युगों से न जाने कितनी विसंगतियाँ देखी, लेकिन अयोध्या का मन क्या चाहता था। अयोध्या में जाकर तो लोगों ने अपनी अपनी राय जरूर रखी, लेकिन अयोध्या क्या चाहती थी, मैं उस पृष्ठभूमि का एक गीत आपके बीच रखना चाहता हूँ कि अयोध्या के साथ हुआ क्या, अयोध्या थी क्या और अयोध्या चाहती क्या थी। मैं गीत आपके समक्ष रखता हूं, सुनिए। वर्षों तक जिसके हिस्से में अनचाहा वनवास रहा हो, अयोध्या थी क्या। वर्षों तक जिसके हिस्से में अनचाहा वनवास रहा हो, और समय ऐसे भी देखे स्वयं समय भी दास रहा हो। वर्षों तक जिसके हिस्से में अनचाहा वनवास रहा हो, और समय ऐसे भी देखे स्वयं समय भी दास रहा हो। उतनी दूर गया वो ही जो मन के सबसे पास रहा हो, रामचंद्र जी। उतनी दूर गया वो ही जो मन के सबसे पास रहा हो, इतनी चोटे सही की जैसे मूरत कोई तराश रहा हो। इतनी चोटे सही की जैसे मूरत कोई तराश रहा हो। जान किसकी नजर लगी थी कितनी पावन रही अयोध्या, जान किसकी नजर लगी थी कितनी पावन रही अयोध्या। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। तो अयोध्या के साथ हुआ क्या। अतिवादों ने सच्चाई की अनुनय विनय कभी ना मानी, अतिवादों ने सच्चाई की अनुनय विनय कभी ना मानी। वर्षों तक फिर चलती देखी सही गलत में खींचा तानी, अतिवादों ने सच्चाई की अनुनय विनय कभी ना मानी। वर्षों तक फिर चलती देखी सही गलत में खींचा तानी, सही बात सहमी रहती थी चिल्लाती थी गलत बयानी। जाने कितने कितने दिन तक लाल रहा सरयू का पानी, जाने कितने कितने दिन तक लाल रहा सरयू का पानी। राजनीति के काले मन का, राजनीति के काले मन का उजला दर्पण रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। लेकिन उस संघर्ष के दौरान अयोध्या के मन में क्या चल रहा था, अयोध्या खुद क्या चाहती थी। अगला बंद रखता हूँ। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या, जिसने केवल इतना चाहा सारे मसले हल हो जाएं,
जिसने केवल इतना चाहा सारे मसले हल हो जाएं, सूनी गलियों के सन्नाटे फिर से चहल पहल हो जाएं, जिसने केवल इतना चाहा सारे मसले हल हो जाएं, सूनी गलियों के सन्नाटे फिर से चहल पहल हो जाएं, संघर्षों की कालिख वाले किससे भी ताकल हो जाएं, घर के बेटे के हिस्से के तंबू राजमहल हो जाए, घर के बेटे के हिस्से के तंबू राजमहल हो जाए, घर के बेटे के हिस्से के तंबू राजमहल हो जाए। बिना राम की राम कहानी, बिना राम की राम कहानी सुनती बेमन रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। तो अयोध्या अभागन रही क्यों? त्रेता युग से और आज तक इतने बीच में कई बार बसी, कई बार उजड़ी, बार बार गिराई गई, फिर एक बार नए सिरे से वो सबके सामने आई, नए रूप में सामने आई, तो उसका कारण क्या है, इतनी अभागन रही क्यों? वर्षों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या, कुछ कहते हैं दबी जुबां से मां सीता का शाप लगा है, कुछ कहते हैं दबी जुबां से मां सीता का शाप लगा है, दो जोड़ी बूढ़ी आंखों का पुत्र वियोग विलाप लगा है, कुछ कहते हैं दबी जुबां से मां सीता का शाप लगा है, दो जोड़ी बूढ़ी आंखों का पुत्र वियोग विलाप लगा है, सूरज को जन्मा है शायद इसीलिए यह ताप लगा है, कोई तो अपराध हुआ है जिसका सिर पर पाप लगा है, कोई तो अपराध हुआ है जिसका सिर पर पाप लगा है, कोई तो अपराध हुआ है जिसका सिर पर पाप लगा है, देव और दानों दोनों का, देव और दानों दोनों का सागर मंथन रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। बहुत बहुत धन्यवाद। चंचल चितवन कोमल यौवन मुझे कली कचनार लिखा, अधूरी दास्तां सी है लिखी दोनों ने साझे में, हमें तुमको सुनानी है, तुम्हें हमको सुनानी है। आपका इश्क कैसा सलीम आपके,